हाय देयर, आज हम ओरिगेमी टेक्निक से कुछ बनाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। इसके लिए मैंने एक A4 साइज़ का पेपर लिया है एंड उसे मैंने 3/4 में इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। फिर आपको उसके एक कॉर्नर को लेके आपको उसे फोल्ड कर देना है ट्राइंगल को, एंड देन पूरा ही पेपर फोल्ड कर देना है हाफ में। जो बचे पेपर है उसे कट कर लेना है। ऐसा हम सेम सेकेंड पेपर के साथ भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे। तो मैं फटाफट सेकेंड पेपर भी रेडी कर लेती हूँ। बाद में हमारे पास जो है बचते हैं 6 स्क्वायर। सो इन 6 स्क्वायर को हमें कट कर लेना है एंड देन इन स्क्वायर को भी 4/4 कर लेना है इस तरीके से, और आपको उस पर और छोटे स्क्वायर मिल जाएंगे। सो हमारे पास में टोटल एक पेज से हमारे पास में 24 स्क्वायर बन जाते हैं, यानी कि दो पेज से 48 हो जाएंगे। तब हम बनाना शुरू करते हैं। सो हम छोटे स्क्वायर को लेंगे और उसे एक ट्रायंगल में इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। अब हम इसे ओपन कर देंगे। सो इस तरीके से हम एक एंड को लेंगे और सेंटर लाइन की तरफ लेके जाएंगे और एक ट्रायंगल फोल्ड करेंगे। सिमिलर वे दूसरे अपोजिट साइड से भी हम एक ट्रायंगल इस तरीके से मोड़ देंगे, राइट। अब हमें इन्हें भी मोड़ देना है इस तरीके से। सो इस तरीके से मिल जाएगा हमें एक शेप। अब मुझे राइट साइड इस तरीके से सेंटर में जाके एक ट्रायंगल मिलेगा, इस तरीके से मोड़ना है आपको। एंड देन इसे पलटा के अगेन राइट साइड से मुझे फोल्ड कर देना है, तो इस तरह से हमें और एक स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम दूसरे पीस ऑफ पेपर को लेंगे और उसे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे इस तरीके से। बस एंड में थोड़ा सा चेंज है, इस तरीके से ट्रायंगल दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे एंड देन ओपन करके दोनों ट्रायंगल्स को सेंटर में मिला देंगे इस तरीके से। एंड देन पूरा पेपर फोल्ड कर लीजिए। बस इसमें ये चेंज है कि पर्पल पेपर में हमने राइट साइड से किया था, इसे हम लेफ्ट साइड से फोल्ड करेंगे एंड देन पलटा के फिर से दूसरे लेफ्ट साइड से फोल्ड करेंगे, ठीक है। उसका एग्जैक्ट अपोजिट करना है हमें। अब हमें फोल्ड करना है इस लाइन से, देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर में लेना है इस तरीके से, और दोनों साइड हम जो है सेम लेवल पे फोल्ड कर देंगे। सारे स्क्वायर्स जो है हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे, ओके। सो हम जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ऐसे दोनों को लेना है, एक के अंदर एक डाल देना है, और जो प्रीवियस वाला जो हैंड्स है जिसके विंग्स निकाले हैं हमने, उसे उस तरीके से अंदर डाल देना है। सेकेंड नंबर के जो पेपर को है उसके विंग्स को हमें खोल के ही रखना है एंड देन इसमें तीसरा ऐड कर देना है, उसके ऊपर तीसरा डाल दीजिए फिर, और फिर अगेन प्रीवियस वाले के विंग्स को अंदर डाल दीजिए एंड देन ऐसा स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, अल्टरनेट कलर के साथ में हमें करते जाना है, ठीक है। सो मैंने ये रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम एंड में क्या करेंगे आप देख लीजिए, आपको दो पेपर्स को स्पेयर करके रखना है एंड के लिए, ठीक है। सो अभी मेरा रेडी हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ते हैं। हमने जो पेपर बचा के रखे थे उसे फिर सेम स्टेप फॉलो करने हैं, ट्रायंगल दोनों तरफ से मोड़ के सेंटर में लाने हैं इस तरीके से। एंड देन अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ऊपर से ट्रायंगल मोड़ना है, ठीक है, जैसे दिख रहा है बिल्कुल वैसे फॉलो कीजिए। सो इस तरीके से कुछ दिखेगा ये, एंड देन जो अपोजिट साइड का पेपर है उसे फिर ट्रायंगल को अंदर मोड़ लीजिए इस तरीके से, एंड देन अगेन इस तरीके से मोड़ लीजिए। सो ये आपका लास्ट पीस ऑफ पेपर रेडी है, ठीक। तो जो हमने लास्ट अभी रखे थे उसमें आपको जो है एक विंग निकाल देनी है यहाँ से, एंड देन हमें जो लास्ट पीस बनाया था वो इसके अंदर इस तरीके से डाल के लास्ट विंग को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, उसे सिक्योरली टाइट कर लीजिए। सो इस तरीके से ये इसका टेल बन जाएगा इस तरीके से। अब लास्ट का जो बचा हुआ पीस है वो लेना है, उसे भी सेम वैसे दोनों ट्रायंगल फोल्ड कर देना है सेंटर में लाके इस तरीके से।
हमें दोनों विंग्स जो है सेम साइड ही फोल्ड करनी है, इस तरीके से अपोजिट साइड नहीं करनी है। ये हम फेस का पोर्शन बना रहे हैं और इसको थोड़ा सा ओपन करके सामने वाले पोर्शन में इस तरीके से फंसा देंगे हम। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको इस वाले लेवल पे, पर्पल वाले लेवल पे इसको दबा देना है दोनों साइड से, एक साइड पर्पल एक साइड ऑरेंज, दोनों लेवल पे आप इसे इंसर्ट कर दीजिए इनसाइड। सो ये इस तरीके से दिखेगा आपको फाइनल लुक। सेकंड साइड भी वैसे ही ऑरेंज के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। सो ये फाइनली इस तरीके से मैंने डाल दिया है और ये हमारा फाइनल लुक रेडी है। हमारा ओरिगेमी नो ग्लू स्नेक रेडी है, इसके आप आईज बना सकते हैं सामने में। सो ये फाइनली इस तरीके से बनेगा, आप इसे मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं ट्विस्ट करके भी बता रही हूँ पर ये नहीं निकलेगा। सो हमारा नो ग्लू स्नेक रेडी है। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसे बनाने में, आप भी ट्राई करके बताइए आपसे बना या नहीं बना। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा ये खेलने के लिए। मैंने पीछे में दो स्टिक्स लगा दिए तो देखिए ये किस तरीके से चलता है, ठाओ ठाओ ठाओ। सो मेरा ये रेडी है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ खेलने में, आप भी बना के देखिए। सो इस तरीके से आप अगर स्टिक लगा दे तो काफ़ी मज़ा आएगा खेलने में बच्चों को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने देखा है काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है भाई। चलिए बाय बाय।